सो नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरी वन वेलकम बैक टू सरीन पाठशाला आप सभी का सरीन पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है जल्दी जल्दी सभी फ्रेंड्स आ जाएंगे थोड़ा सा पीपीटी में प्रॉब्लम हो रहा था तो क्लास अब की कुछ मिनटों से डीले हो गई है बट नाउ वी आर गुड टू गो एंड लेट्स बिगिन आर क्लास टूडे एंड वी विल बिगिन आर क्लास विथ अ वेरी पॉजिटिव एफर्मेशन विथ अ जय हिंद एंड विदेरी पॉजिटिव एफर्मेशन तो मैं एक बार सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी एक बार कॉमेंट कर देंगे जय हिंद इन द कॉमेंट बॉक्स कॉमेंट अ जय हिंद इन द कॉमेंट बॉक्स टू मार्क योर प्रेजेंस एंड कॉमेंट एंड आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली टू शो योर डिटर्मिनेशन Yes, jai, jai everyone. So let us begin our session today. आज जैसा कि आपने देखा life sentences daily life mein में बहुत कुछ ऐसा कुछ कहने की जरूरत पड़ती है जो कोई standard grammar rules रूल follow नहीं करते हैं वो sentences जैसे जैसे आपके सामने आते हैं वैसे वैसे आपको सीखते जाना है कुछ ऐसे structures भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा मदद करेगा अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आप बोलने के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर रूल्स बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत तो जरूरत होगा ठीक है एकदम छुटकारा नहीं मिलेगा ग्रामर से थोड़ा बहुत ग्रामर नॉट अ लॉट यू हैव टू लर्न बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन फॉर सम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यू विल हैव टू लर्न ग्रामर इन डिटेल उसके लिए हमारे सेपरेट ग्रामर बैचेस होते हैं ठीक है एंड यस वन मोर थिंग एनवाई ट्वेंटी थ्री Uh, आपका कोड है बच्चों आज से आज रात को नौ बजे से नया इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है ये कोड से आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो आज रात बारह बजे तक है तो प्लीज फटाफट -फड़ से एनरोल कर लीजिएगा ठीक है राइट सो अस बिगिन आर सेशन नाउ तो सबसे पहला आपके सामने एक सेंटेंस है वे वही थे है ना वे वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी राइट right? ये वही लड़का तो है जिसने सिलेक्शन लिया है ये वही लड़का तो है जिसने हमारे पूरे गांव में अकेला सिलेक्शन लिया है, है ये वही इंसान जिन्होंने जरूरत में मेरी मदद की ऐसा सेंटेंस हमें कई बार बोलने की जरूरत पड़ती है, है ना राइट right? तो एक बार सभी बच्चे मुझे बताएंगे इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं वे वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी बुनियाद मतलब फाउंडेशन Keep the foundation नहीं होता है जब बुनियाद रखते हैं हिंदी में कहते हैं लेकिन बुनियाद रखने को English में कहते हैं ले द फाउंडेशन ठीक है इंग्लिश में कहते हैं it's more than, प्रदीप शर्मा it's more than 60%, I'm so sorry, ये टेक्निकल वालों का काम है मुझे भी याद नहीं more than 60 discount है मोर देन सिक्सटी परसेंट डिस्काउंट है मोर देन सिक्सटी परसेंट बट प्लीज क्विकली गो एंड एनरोल बिकॉज आज रात को बारह बजे बिकॉज आज हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है सो so आज रात को 12 बजे के बाद में ये कोड इनवैलिड हो जाएगा और प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं ठीक है राइट ओके हाउ सी दिस हाँ बेटा ठीक है ये नेहा रॉकॉन ने, ओके okay, मैम अब मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दे रही हूँ बेटा बहुत खुशी खुशी और मैं भी आपको अपने चैनल पर से प्रसाद दे दे रही हूं ठीक है राइट ऐसे <laughs> कुछ बच्चों को ना थोड़ा सा प्रसाद दे देना पड़ता है भाई चुपचाप पढ़ती रहती ना तुम ज्यादा डेढ़ जाना बनने की क्या जरूरत होती है आ जाओ यस ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया अस सी

सो दे वर द वेड द फाउंडेशन अच्छा अब यहां पर अगर कोई एक पर्सन होगा जैसे ही वॉज द वन शी वॉज द वन आपको कैसे कहना है इसको ही वॉज द वन शी वॉज द वन अगर प्लूरल है प्लूरल है तो आप कहेंगे दे वर द वंस दे वर द वंस हु फाउंडेशन एक बार सभी बच्चे मेरे साथ में रिपीट करेंगे बिकॉज रेपिटेशन इज समथिंग टू मेक यू कॉन्फिडेंट इन योर लैंग्वेज नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क ट्रस्ट मी आप सब कुछ ट्राई करके आ सकते हैं नथिंग एल्स इज गोइंग टू वर्क देर इज नो शॉर्ट कट टू समिंग दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं ठीक है स्पेशली आई ऑलवेज से समथिंग्स दैट इन्वॉल्व योर मसल मसल इन्वॉल्वमेंट ओके राइट फाउंडेशन so, वो वही थे जिन्होंने बुनियाद रखी ठीक है अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे ठीक है हम थोड़ा सा okay, प्रैक्टिस वाली सेंटेंसेस आ नहीं पाए हैं ठीक है चलो वो वही था जिसने कार चुराई ये सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एक बार आप बता दीजिए मैं आपको सेंटेंस बता दे रही हूं और हम इसको बना के प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ठीक है वह वही था जिसने कार चुराई कार चुराना स्टोल द कार वह एक लड़के ने कार चुराई है तो हम कैसे कहेंगे ही वॉज द वन हु द कार ही वॉज द वन हु द कार ठीक है ना ये हम कई बार अपने लाइफ में डेली लाइफ में कहते हैं यह तो होना ही था उसका सिलेक्शन तो होना ही था इतना मेहनत कर रहा है इतना होनहार लड़का है उसका सिलेक्शन तो होना ही था यह तो होना ही था उसको मैच इंडिया को मैच जीतना ही था ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे कहेंगे यस यस स्टूडेंट्स हाउ विल वी से दीज सेंटेंसेस इन इंग्लिश यह तो होना ही था उसका सिलेक्शन तो होना ही था पहले इसको देखते हैं ठीक है लेट्स सी दिस फर्स्ट इट वाज बाउंड टू हैपन बाउंड बाउंड मतलब होना ही था बाउंड टू हैपन होना हैपन होना ठीक है बाउंड टू होना ही था इट वाज बाउंड टू हैपन इंडिया को मैच जीतना ही था इंडिया वाज बाउंड टू होना तो हमने हैपन लिखा था ठीक है होना के लिए हमने happen लिखा था जीतने के लिए हम लिखेंगे मेरे एग्जाम बस आने ही वाले हैं देखो जो होना ही था उसके लिए बाउंड टू बाउंड टू जीतना था जीतना ही था उसको बाउंड टू विन ठीक है हारना ही था बाउंड टू लूज ठीक है राइट अब यहाँ पे मेरे एग्जाम बस आने ही वाले हैं ठीक है थेके? कोई चीज़ जो बहुत जल्द ही, नजदीक भविष्य में होने ही वाला है, मेरे बस आने ही वाले हैं। ये सेंटेंसेस आप कैसे कहेंगे मेरा इंटरव्यू बस होने ही वाला है मेरा सिलेक्शन बस होने ही वाला है मेरा काम शुरू होने ही वाला है ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे लिखेंगे मेरा मेरे एग्जाम बस आने ही वाले हैं। एक चीज हम देखेंगे ठीक है वहां से एक स्ट्रक्चर लर्न करने की कोशिश करेंगे ठीक है एंड स्ट्रक्चर के साथ-साथ हम उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी सीखेंगे ठीक है मेरे एग्जाम बस आने ही वाले हैं माय एग्जाम्स गोना कम नहीं कहेंगे अबाउट टू कम नहीं कहेंगे ठीक है no. नो दिशा वसीफा नो no. देखो जब कोई एक्शन uh, है जो होने ही वाला है ठीक है तो आप कहेंगे माई एग्जाम्स आर जस्ट होने ही वाला है हम कहना चाहते हैं अराउंड द कॉर्नर भी कह सकते हैं माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर जस्ट अ कॉर्नर नहीं जस्ट अराउंड द कॉर्नर ठीक है माई एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर मतलब आपका एग्जाम्स होने ही वाला है ये एक ईडियम है इसका हम प्रयोग करते हैं उन एक्शंस को बताने के लिए जो एक्शन अभी घटित होने ही वाले हैं जो आपके अभी घटित होने ही वाले हैं माई एग्जाम्स अर जस्ट अराउंड कॉर्नर ठीक है आज शर्म से मेरा सिर झुक गया कई बार जब आ, आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स कोई ऐसा काम करते हैं जो गलत होता है जो सबके लिए शर्मनाक होता है तो लोग ऐसा ही सेंटेंस कहते हैं आज शर्म से मेरा सिर झुक गया ठीक है तो इस बात को हम कैसे कह सकते हैं इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं लेट एस है लुक टूडे माई हेड हंग इन शेम ठीक है इन शेम मतलब शर्म से हंग माई हेड हंग इन शेम टूडे माई हेड हंग इन शेम राइट देखे वह कितने पानी में है अगर आपको ये कहना है कई बार होता है ना मतलब कई बार क्या आजकल तो बहुत ज्यादा लोग हवा हवाई में बहुत ज्यादा रहते हैं है ना तो हमें तो परखना होता है बिकॉज हमें decisions लेना है हम सबकी बातों में नहीं आ सकते हैं राइट सो so, हम क्या कहते हैं कि देखें वह कितने पानी में है मतलब कि उसकी क्या वर्थ है वो कितना जो भी बोल रहा है उसमें से कितना सच है कितना झूठ है वो जानने के लिए वो परखने के लिए हम कई बार ये सेंटेंस कहते हैं देखे वह कितने पानी में है ठीक है जब आपको यह सेंटेंस कहना है बाउड इन शेम नहीं वसीफा Uh, बाव मतलब जब हम रिस्पेक्ट से सम्मान में किसी के सामने सर झुकाते हैं जैसे भगवान के सामने अपने बड़ों के सामने जब आप सर झुकाते हैं ना तो उसको बाव कहते हैं ठीक है जो ऐसे कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके सम्मान में भी अगर आप सर झुकाते हैं तो उसको बाव कहते हैं ठीक है यहाँ पे शर्म से अपने आप किसी का सर झुक जा रहा है तो उसको हंग इन शेम कहेंगे वाइल्ड लर्निंग इंग्लिश और राधा वाइल्ड लर्निंग एनी लैंग्वेज आपको पर्टिकुलर इमोशंस के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड कौन सा प्रयोग करना है यह भी थोड़ा सा सीखना चाहिए शुरुआत से ही थोड़ा-थोड़ा सीखते रहिए। ऐसा नहीं कि एक बार में किसी को सब कुछ आ जाता है लेकिन जैसे ही वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आए तो आप तुरंत हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे राइट ओके कम टू दिस नाउ देखे वह कितने पानी में है देखे वह कितने पानी में है

कि वह कितने पानी में है मतलब जो भी वो कह रहा है उसमें से कितना सच है कितना झूठ है कितना पॉसिबल है कितना पॉसिबल नहीं है यह कहने का हमारा मतलब होता है ठीक है सो लेट सी वेर ही स्टैंड लेट सी वेर ही स्टैंड लेट्स कम टू पार्ट नाउ वह बाल बाल बच गया ठीक है मतलब कुछ बुरा होने वाला था या उसको डांट पड़ने वाली थी वो पकड़ा जाने वाला था बट वो बाल बाल बच गया है ना सो अगेन ऐसी इमोशंस uh, को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे आइडियाज ऐसे विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ईडियम्स का ठीक है जिसको आप हिंदी में मुहावरे कहते हैं ठीक है वह बाल बाल बच गया नाउ स्पेशली माय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है तो मैं देखना चाहूंगी कि क्या आप सेंटेंस बना पा रहे हैं यस एंड ऑल ऑफ यू हैव टू कीप रिपीटिंग द सेंटेंस अलॉन्ग विथ मी ठीक है जब हम देखो हिंदी वाला तो आपको बताया गया है कि क्या बात आपको एक्सप्रेस करना है आपको पता चले कि आपको क्या बात एक्सप्रेस करना है ठीक है इंग्लिश हम सीखेंगे जैसे ही आपके सामने इंग्लिश सेंटेंस आएगा आप उसको रिपीट भी करेंगे हाउ मनी ऑफ यू आर रिपीटिंग थैंक यू आशीष थैंक यू एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रिपीटिंग द सेंटेंसेस एक बार आई कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे रिपीट करते जा रहे हैं सेंटेंसेस सुचित्रा दास मैम मुझे क्लास में ही एस्केप्ड very good. वेरी गुड ही इज save नहीं आनंद कुमार राजपूत बेटा तुम सिलेक्शन तो ले लिए हो ठीक है लेकिन इंग्लिश की क्लासेस मेरी हो नहीं रही हो और तुम्हारा इंग्लिश भी गोल होते जा रहा है मुझे दिख रहा है ठीक है नैरो सेव नहीं होता है एस्केप होता है वेरी गुड वेरी गुड लेट मी सी द नेम्स राहुल अनिश साजिद संदीप मन्नत वेरी गुड वेरी गुड माधव रवि प्रताप दुर्गेश कुमार वेरी गुड ऑल दीज आर जस्ट वंडरफुल स्टूडेंट्स वेरी जेनुअन वेरी रियल स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली इम्प्रूव ऑल राइट चलिए बहुत बढ़िया सो वह बाल बाल बच गया इसके लिए देखो दो चीजें हैं ठीक है एक है अ क्लोज शेव दो दो ईडियम्स हैं एक है अक्लोज शेव ठीक है दूसरा है नैरो एस्केप आनंद मुझे लग रहा है आपने ये दोनों मिक्स कर दिया था ठीक है तो एक है अक्लोज शेव दूसरा है नैरो एस्केप ठीक है और आप इसको कहेंगे कैसे ही हैड अ नैरो एस्केप He had a close shave. He is नहीं कहेंगे Is मतलब वो खुद ही है लेकिन वो बाल बाल बच गया तो आप कहेंगे हैड अ नैरो एस्केप या हैड अ क्लोज शेव ठीक है सो वी विल से ही हैड अ नैरो एस्केप एस्केप मतलब बच जाना ठीक है नैरो मतलब बाल बाल बच जाना ठीक है राइट right? और क्लोज शेव वाला कहाँ से आया है देखो मैं आपको थोड़ा सा ईडियम्स uh, को ईडियम्स के बैकग्राउंड से रिलेट कर देती हूँ ताकि आगे कभी ये कंफ्यूजन ना हो ठीक है ही हैड वेरी गुड पूजा कुमारी ठीक है देखो क्लोज शेव मतलब जैसे लड़के शेव करते हैं ना ठीक है न, तो अगर रेजर बहुत ज्यादा क्लोज शेव कर दिया तो कट लग सकता है राइट इसलिए क्लोज शेव आता है मतलब बाल बाल बच गया चोट लगने से आ, बाल बाल बच गया ठीक है तो उसको हम कहते हैं क्लोज शेव ठीक है एस्केप एस्केप मतलब बच जाना राइट अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे जितने भी बच्चों को क्लियर हो गया और अब लाइफ में कभी भी दोनों ईडियम्स में कंफ्यूज नहीं होंगे वो एक बार थम्स अप कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में यस, वेरी गुड एक बार थम्स अप कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में वंडरफुल <coughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है दोनों भी ईडियम्स का मीनिंग है बाल बाल बचना ठीक है चाहे तुमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया हो और मम्मी पापा या टीचर से या अपने फ्रेंड्स की नजरों से बच निकले बाल-बाल बच निकले एक्सीडेंट होते हुए चोट लगते हुए बाल-बाल बच गए झूठ बोला था किसी का पागल बनाया था तुमने और पकड़े जाने से बाल बाल बच गए ठीक है तो ये इम का हम प्रयोग कर सकते हैं राइट ओके चलिए आ जाओ ना तुम सुनते क्यों नहीं हो कई बार सुना होगा तुमने ये चलो थैंक यू संदीप यस सो तुम सुनते क्यों नहीं हो मम्मी ने कई बार बोला होगा पहले तो जब तुम छोटे होते हो तब मम्मी और बहन बोलती है फिर उसके बाद में जब बाहर दोस्त बना लेते हो तो दोस्त बोलते हैं राइट right? तुम सुनते क्यों नहीं हो कैसे बोलोगे आखिर इंग्लिश में राइट वाय आर यू नॉट लिसनिंग वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ये तो काफी सारे बच्चे बोल देंगे है ना तुम सुनते क्यों नहीं हो लिसनिंग या वाई आदत की बात कर रहे हैं और जब हम आदत की बात करते हैं तो हम वी वन प्लस आई एन जी नहीं लगाते हैं तुम सुन क्यों नहीं रहे हो वाई आर यू नॉट लिसनिंग तुम सुनते क्यों नहीं हो जब भी कुछ बोलती हूँ सुनते नहीं हो तुम सुनते क्यों नहीं हो वाई डोंट यू लिसन चलो ठीक है ये तो सबने बता दिया मजा तो तब आएगा जब अगला वाला भी सब सही बता देंगे ठीक है राइट right? चलो तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो अब यहां पे एक वर्ड आ गया है मुझे ठीक है अभी तक ये था तुम सुनते क्यों नहीं हो अब एक वर्ड आ गया है तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो चलो वाई डोंट यू लिसन ठीक है तुम सुनते क्यों नहीं हो वाई डोंट यू लिसन तुम मुझे सुनते क्यों नहीं हो आई वुड लाइक टू रीड शौक होता है कि मैम मेरा कमेंट पढ़िए मेरा नाम लीजिए अब मैं आप लोगों का वेरी गुड कैंडेड सोल वंडरफुल कैंडेड सोल का खाली आंसर सही है अनिश का भी आंसर सही है सरप्राइजिंग अनिश एंड ओके विश्वजीत आनंद कुमार राजपूत वेरी गुड बहुत बढ़िया रिमेंबर स्टूडेंट्स लिसन के बाद में जब भी कोई वर्ड आएगा है ना तो आप उस वर्ड को लिसन के साथ टू प्रेपोजिशन से जोड़ेंगे वाई डोंट यू लिसन मी नहीं कहेंगे लिसन टू मी कहेंगे वाई डोंट यू लिसन टू मी क्या तुम गाने सुनते हो डू यू लिसन सॉन्ग्स नहीं डू यू लिसन टू सॉन्ग्स ठीक राइट ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को एक बार फटाफट -फड़ से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे ठीक है थैंक थैंक यू 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 सौरभ व्हाई डोंट लिसन टू मी वेरी गुड बहुत बढ़िया राइट चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नाउ ये तो हमने देख ही लिया ये तो बिना आंसर देखे ही तुम लोगों ने सही बता दिया है ना जिन्होंने सही नहीं बताया था उन्होंने ऑलरेडी सीख लिया ठीक है चलो यह इतनी सुबह तैयार होकर कहा जाता है यह इतनी सुबह तैयार होकर कहा जाता है चलो कुछ तो मुझे शायद होमवर्क भी देना चाहिए तो इसका आप लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आफ्टर द क्लास आफ्टर द वीडियो ठीक है नाउ यू हैव दिस सेंटेंस तुम बीच में आए तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा तुम बीच में आए धमकी भी तो देना पड़ता है ना सब लोग प्यार से नहीं मानते इसीलिए तो पुरखों ने कुछ मुहावरे भी बना रखे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते राइट सो तुम बीच में आए तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा यस तुम बीच में आए तो कंडीशनल सेंटेंस है, है ना इफ यू इंटरफियर इफ यू इंटरफियर तुम बीच में आए तो बीच में आना इंटरफियर इफ यू इंटरफियर तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा यू हैव टू पे फॉर इट डियरली डियर का मतलब प्यारे प्यारी भी होता है और डियर का मतलब महंगा भी होता है ठीक है डियर वैसे भी महंगा ही होता है है ना लड़कों को बहुत अच्छे से पता है कितने गिफ्ट देने पड़ते हैं आधी सैलरी खर्च करनी पड़ जाती है सो डियर डियर होती है ठीक है राइट right? डियर का मतलब याद रखना प्यारा और प्यारी भी होता है और डियर का मतलब महंगा भी होता है इसको मैं आपको रिलेट करके बता देती हूँ बच्चों जब आप लोग गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो आपको डी ए मिलता है डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जिसको कहा जाता है ठीक है आ जाओ सो इफ यू इंटरफियर यूल हैव टू पे फॉर इट यूल हैव टू पे फॉर इट यस मीरा यादव देखो मतलब बच्चों की भी क्या बात है अब देखो जब शादी नहीं हुई तो पूछते हैं आर यू मैरिड और नॉट शादी कब करोगे शादी कब करो? भाई कर लिया मतलब दुखी रहने के लिए ना कुछ ना कुछ रीजन ढूंढी लेते हैं ठीक है शादी हो जाएगी तो तुम पूछो शादी हो गई क्या शादी हो गई क्या नहीं हुई तो पूछते रहो आर यू मैरिड आर यू मैरिड भाई पढ़ाई कर लो मेरी शादी होने या नहीं होने से तुम्हारा सिलेक्शन या तुम्हारी कामयाबी मुकम्मल नहीं होगी ठीक है पढ़ाई भी कर लो पढ़ाई पे ध्यान दे लो इफ यू इंटरफियोर यूल है आ गई बात समझ चलो बहुत बढ़िया अब मैं तुम स... चलो ठीक है मुझे लग रहा है दूसरे पीपीटी का पार्ट आ गया है ये ठीक है आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू क्लास न्यू बैच लॉन्च नाउर राइट मिलेंगे हम लोग आज क्या है फ्राइडे आज फ्राइडे है मंडे को ठीक है मंडे को इवेंट लग जाएगा अभी थोड़ी देर में मंडे को मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास का और बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करने के लिए और इसी के साथ साथ आप लोगों का साथिनेशन के लिए भी जो प्रैक्टिस करना है प्रीवियस इस क्वेश्चन ग्रामर कॉन्सेप्टरी हिंदू एडिटोरियल इसके लिए तो बहुत ज्यादा बच्चे वेट करते रहते हैं ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों का मंडे से स्टार्ट हो जाने वाला है ठीक है चलो एंड मैं फिर से एक बार बता दू यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी इनका पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है ये टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद सुमन शर्मा ठीक है क्लासेस कोर्सेज के लिए कुछ भी क्वेरी है यूट्यूब पे बच्चों क्लासेस देखो चलती रहेगी उसके अलावा आपको अगर कोई कोर्स पेड बैच वगैरह लेना है तो उसकी क्वेरीज आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कॉल कीजिएगा प्लीज ऑफिस टाइमिंग में दस बजे से छह बजे तक व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं आपको रिप्लाई मिल जाएगा व्हाट्सअप का मतलब व्हाट्सएप कॉल नहीं है नहीं तो ब्लॉक हो जाएंगे ना वॉइस कॉल ना वीडियो कॉल ठीक है व्हाट्सएप मैसेज राइट ओके चलिए थैंक यू थैंक यू एम एच रॉय एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे डोंट फॉरगेट द कोड एन वाई ट्वेंटी थ्री आज रात तक ही वैलिड है सिक्सटी परसेंट या सिक्सटी परसेंट से ज्यादा थोड़ा सा डिस्काउंट है आई गेस बैच लॉन्च डिस्काउंट है ये ठीक है न्यू ईयर प्लस बैच लॉन्च डिस्काउंट है उसके बाद में कोर्सेस का प्राइसेस बढ़ जाएगा स्पोकन इंग्लिश का बैच फाइव राइट चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड यू इन द नेक्स्ट क्लास तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें मस्त रहे पढ़ते रहे और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन